इस न्यूज के प्रायोजक हैं मेट्रो, बाइक, कार, ट्रक, इन्वर्टर, बैटरी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, वापी चार रास्ता, कॉन्टेक्ट 8000036001। नमस्कार, मैं सोनिया चौहान पब्लिक वॉइस से आज बिलाड के पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ अभी अभी एक खबर मिली है कि आज सुबह 8:30 बजे एक टैंकर पकड़ा गया है जिसमें वेस्ट केमिकल था, और ये वेस्ट केमिकल आरती कंपनी, आरती ड्रग्स, सरगम की जो आरती ड्रग्स है वहाँ से निकाला गया था और ये जा रहा था टूवर्ड्स मुंबई की तरफ, जहाँ बिलाड की आरटीओ की चेक पोस्ट पे इसे पकड़ा गया है। बता दें कि ये टैंकर में करीब 20,000 टन माल भरा हुआ है, जिसकी कीमत यहाँ पे पुलिस वाले हमें बता रहे हैं कि 38,000 रुपीस है। अब ये केमिकल जब यहाँ से भरा गया था और यहाँ से जब निकला था, 3 लोग जमा है जिसका नाम अनीस खान है और बाकी सारे ड्राइवर्स जो उनके साथ यहाँ पे थे, ये 3 लोग ने अपना गुनाह कबूल किया है पुलिस के सामने कि इन्होंने आरती ड्रग्स में से माल भरा है और ये माल जा रहा था आगे मुंबई की तरफ। लेकिन ये माल क्या डंप करने जा रहा था? अगर ये डंप करने जा रहा था तो ये फिर से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हमारे एनवायरमेंट को कितना प्रदूषित किया जा रहा है, हमें कितना हार्म करा जा रहा है। अगर ये डंप करने नहीं जा रहा था तो क्या ये केमिकल रीसेल के लिए कहीं पर जा रहा था? अगर ये केमिकल रीसेल के लिए जा रहा था तो इसकी कीमत 38,000 रुपीस कैसे बताई जा रही है? 20,000 टन जो माल भरा हुआ है, जिसकी कीमत पुलिस ने अपने आंकड़ों में सिर्फ 38,000 बताई है, क्या ये हमें गुमराह करने के लिए बताई गई है? लगातार एक के बाद एक कंपनियों में से, GIDC सरगम हो या GIDC वापी हो, वहाँ से केमिकल वेस्ट निकाल कर अलग अलग स्पॉट्स पे, रात के अंधेरे में, कभी दिन के उजाले में, ऐसी ऐसी जगह पे डंप किया जाता है या दूसरी जगह पे जाके रीसेल किया जाता है, उसे यहाँ से आसानी से निकाला जाता है, जो एब्सोल्युटली इलीगल है। आप मेरे साथ देख सकते हैं आगे पूरी खबर। हम चलेंगे अभी आरती इंडस्ट्रीज में। मैं मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको टैंकर की तस्वीरें दिखाएं, विजुअल दिखाएं टैंकर का। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा के माध्यम से, आपको टैंकर के विजुअल्स दिखाती हूँ। ये टैंकर पूरा केमिकल से भरा हुआ है। आपको दिखा दूं कि ये जो केमिकल है, यहाँ पर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, GJ15AV2810 नंबर का ये जो टैंकर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैंकर की कैपेसिटी 24,000 लीटर्स है और इसमें 20,000 लीटर ऑलरेडी माल भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यही वो टैंकर है जिसे आरती ड्रग्स सरगम से वहाँ पर निकाला गया था इसका वेस्ट, और ये जा रहा था मुंबई की तरफ बिलाड चेक पोस्ट पर, इसे पकड़ा गया है। और इसी टैंकर का मुद्दा माल टोटल जो पुलिस हमें बता रही है, जिसके लिए हम उनसे इंफॉर्मेशन डिटेल्ड मांग रहे हैं, लेकिन वो हमें मिसलीड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी हमारे पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि 3 लोग थे आरती में से, उन्होंने माल लिया था और ये माल की कीमत 38,000 रुपये है, लेकिन इसमें 20,000 लीटर माल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरह से मिस लीड और मिस गाइड किया जाता है इन्फॉर्मेशन के नाम पर। आगे चल के हम आपको अपने वीडियो में और इन्फॉर्मेशन लेके, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास जल्द आएंगे। बने रहे मेरे चैनल के साथ पब्लिक वॉइस, जहाँ खबरें दिखती हैं पर बिकती नहीं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उत्सव एवं समारोह के लिए मिठाई एवं नाश्ते के ऑर्डर लिए जाते हैं। दमन में एकमात्र 56 भोग के स्पेशलिस्ट। हमारा पता है श्री कृष्णा स्वीट्स, फरसान एंड नाश्ता सेंटर, नियर धोबी तलाव, नानी दमन।
इलेक्ट्रिसिटी लाओ, बिजली बचाओ।